हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 19 ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स। एंड स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। यू ऑल आर टेकिंग प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप, एंड यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड सॉल्विंग द questions, right? So if any one of you is facing any doubt regarding studies or anything else, how to study, how to manage time, yeah, anything else you are facing problem with, due to which you are not able to कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तो लेट मी नो। ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा आई विल लेट यू हेल्प यू, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉपिक कॉल्ड वेक्टर्स, और इस वेक्टर टॉपिक के सराउंडिंग में मैं स्टार्स को मार्क कर रहा हूं, राइट। I am marking the stars. Why am I marking the stars? You have come to know about the importance of vectors in our life. So it is very, very, very important. तो मैं इसके ऊपर बेटा ज्यादा कंसंट्रेट करके आपको बोल रहा हूं कि वेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ अवर फिजिक्स। इफ यू नो अबाउट दिस टॉपिक वेक्टर्स, योर प्लस वन एंड प्लस टू फिजिक्स विल बिकम इजी। मेनी स्टूडेंट्स फेसेस डाउट्स इन फिजिक्स because they don't know vectors. What are vectors? So they can't do physics without knowing the knowledge of vectors. And those are very simple things. Vectors is very simple thing, but it is introduced into your syllabus right now in plus one class. तो एक बात बच्चे सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो सी फिजिक्स है, फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स आएगी, हमारे को एड सब्ट्रैक्ट करना है। फिजिक्स मेरे को सिर्फ क्या बोलेगी, फॉर्मूलाज देगी, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हमारे को करना है। फिजिक्स हमारे को उस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मूला बताएगी, जैसे फोर्स का फॉर्मूला बता देगी। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स हमारे को फॉर्मूलाज बताएगी, है तो उसके अंदर कैलकुलेशन ही ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो बेटा आप एक बात को समझो, छोटी क्लासेस के अंदर जो हमने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखा, वो किन चीजों का सीखा? एक स्केलर नंबर का ऐड करना सीखा। अब देखो कि जब हमारा बर्थ हुआ या किसी बच्चे का बर्थ होता है, जब उसको मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, तो पहले उसको नंबर सिखाए जाते हैं, फिर उसको नंबर सिखाने के बाद उसको दो नंबर्स को ऐड करना सिखाया जाता है, और ऐड करने में ही उसको साल या दो साल लग जाते हैं सिर्फ उसको ऐड सीखने में कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करना है। तो वहां पर हमने उस बच्चे को क्या चीज सिखा रहे थे, वहां पर हम उस बच्चे को सिखा रहे थे कि दो स्केलर नंबर्स को कैसे ऐड करना है, स्केलर। इसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई सिखाया, तो फिर वो एक पर्टिकुलर क्लास में, मतलब एक पूरे साल के अंदर वो सब्ट्रैक्ट करना सीखा, फिर वो आगे मल्टीप्लाई करना सिखाया गया उसको,
पूरा एक क्लास के अंदर, फिर उसको डिवाइड करना सिखाया गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे को कितना टाइम लगा एक स्केलर नंबर का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। और अगर मैं आज एक प्लस वन लेवल के बच्चे को पूछता हूं कि भैया 2 + 3 कितना होता है, वो बोलेगा 5। मैं बोलूंगा 10 + 30 कितना होता है, वो बोलेगा 40। 10 × 40 कितना होता है, आप बोलोगे सर 400। आप बोलोगे सर ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो टेल मी वन थिंग, क्या ये तुझे सिंपल क्वेश्चंस हैं, या नंबर ऑफ जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, या नंबर ऑफ मेरे पास, अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। और अगर मैं उन इनफाइनाइट नंबर्स में से कोई भी दो नंबर को उठाता हूं, लेट से मैंने एक उठा लिया 5 और एक उठा लिया 7, और मैंने बोला आपको 7 + 5 बताओ, तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल इट इज 12। तो ऐसे में पूरी नंबर लाइन में से या कोई भी मैथमेटिक्स के नंबर में से मैं कोई भी दो नंबर्स को उठा लूं, तो आप उन दो नंबर्स को ऐड कर दोगे। तो अगर आप उन दो नंबर्स को ऐड करके मेरे को रिजल्ट बता सकते हो, तो क्या आपने उनके रिजल्ट्स को याद किया हुआ है? नहीं। आपने किस चीज को सीखा है? आपने सीखा है कंसेप्ट को। आपने कंसेप्ट सीखा, दैट इज हाउ टू ऐड टू नंबर्स। अगर आप रिजल्ट को याद करने जाओगे कि हां भी मैं हर एक नंबर का रिजल्ट याद कर लूं, तो माइंड भी हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बट हम कभी भी दो नंबर्स के एड्स के रिजल्ट्स को याद नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को कंसेप्ट सीखना पड़ा, हाउ इज व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द एडिशन। सिमिलरली हम अगर दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं। हम याद नहीं करके रखे हुए हमने सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स या मल्टीप्लाई के रिजल्ट्स। हाँ, हमने टेबल्स लर्न किए हुए कितना 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो बट इनफाइनाइट टेबल्स आर ओवर देयर, क्या आपने इनफाइनाइट नंबर्स के टेबल्स को लर्न कर लिया? नहीं। आपको मेथड पता है कि किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर लेट्स से मेरे को 238 को मल्टीप्लाई करना है 52 से, तो मेरे को इसका मेथड पता है हाउ टू मल्टीप्लाई। आपको इसका रिजल्ट अभी याद नहीं है, बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे, तो आप इसका रिजल्ट निकाल लोगे। एक प्लस वन लेवल की क्लास का बच्चा रिजल्ट निकालेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज बेटा, कि हम रिजल्ट्स याद नहीं रख सकते हैं, बट कंसेप्ट्स आर कम, कंसेप्ट्स कम होते हैं, उन कंसेप्ट्स की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट एनी रिजल्ट। बात समझ रहे हो? ये एक लाइफ का तत्व है बेटा, लाइफ का। अगर आप पूरे कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर जगह के अगर आप रिजल्ट्स याद करने की कोशिश करोगे, तो आप पूरी जिंदगी लगे रहोगे तो भी लर्न नहीं होगे। बट अगर आप एक छोटा सा उसके पीछे वाला बैक कंसेप्ट देख लोगे, तो उस कंसेप्ट से आप कोई भी रिजल्ट को निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो ना? सिमिलरली बेटा, अब हम एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कैसी होती है, राइट? उसको ऐड कैसे करना, उसको सब्ट्रैक्ट करने कैसे करना, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, उसको डिवाइड कैसे करना है, वो हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, दैट इज वेक्टर्स के अंदर। नाउ माइंड इट, अगर मैं दो वेक्टर नंबर का एडिशन कर रहा हूं, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे मैं एक स्केलर नंबर का एडिशन करता हूं। या अगर मेरे को दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है, मैं बोलूंगा सर एक वेक्टर है 5 और एक वेक्टर है 3, तो सर आप बताओ इसका रिजल्ट क्या है सब्ट्रैक्शन का, आप बोलोगे 2। नहीं, ये गलत है। या अगर आपको ऐड करने के लिए बोलूं एक वेक्टर है 3 और एक वेक्टर है 2, और मैं बोलूं कि इसका रिजल्ट बताओ, वेक्टर एडिशन बताओ, आप बोलोगे 5, 3 + 2 इज सर 5। नो, उसका रिजल्ट 5 हो सकता है, बट हमेशा वो 5 नहीं होगा। 3 + 2 इज 5 इन स्केलर, नॉट इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में हो सकता है 5, बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है, राइट? तो अब बेटा यहां पर जो सर वेक्टर्स है, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टर्म आई, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि भैया फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, राइट? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मैयत कर सकते हैं। देखो अर्ली मैन आया,
स्टार्टिंग से पहले हम कुछ कोई भी चीज मेजर नहीं करते, फिर धीरे धीरे वो मास को मेजर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब वो बोला कि तूने मेरे को इतनी सी चीज दी है, मैं तुझे इतनी सी चीज दूंगा, वो तराजू के ऊपर नापना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कपड़े को नापना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हमने अब टाइम को भी हम नाप के रखते हैं कि हाँ भी कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बीत गया। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वो क्वांटिटी कहलाएगी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट थिंग विच कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल माई हाइट, मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, मेरी हाइट कितनी है? इट कैन बी मेजर्ड। व्हाट इज माई वेट? इट कैन बी मेजर्ड। राइट? फॉर हाउ मच टाइम आई एम स्पीकिंग ऑन दिस वीडियो? दैट कैन बी मेजर्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड या दिस व्हाइट बोर्ड? सॉरी, इट इज अ व्हाइट बोर्ड, राइट? तो इसका लेंथ कितना है? दैट कैन बी मेजर्ड। सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने कितना फोर्स लगा रहा हूं? इट कैन बी मेजर्ड। एक बॉडी मूव कर रही है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है? दैट कैन बी मेजर्ड। स्पीड कैन बी मेजर्ड। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फर्दर, फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, टोटल फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं, तो सर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कैन यू गेस एनीथिंग? यस स्टूडेंट्स, गेस विच आर द थिंग्स ओवर देयर जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूं। सोचो अपने माइंड के अंदर, हैव यू कम आउट विद एनी पॉइंट जिसको आप मेजर नहीं कर सकते? ओके, तो जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, इमोशंस आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू लव योर मदर, सो एवरीबडी इज लविंग देयर मदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना लव करते हो अपने मम्मा से, इतना, इतना, इतना या इतना या इससे भी ज्यादा, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपको, आपकी किसी से दुश्मनी है, कितनी दुश्मनी है? इतनी सी दुश्मनी है या इतनी सी दुश्मनी है? क्या ये मैं इसको स्केल या नंबर के ऊपर मेजर कर सकता हूं? नहीं मेजर कर सकता। राइट? तो अगर लेट से आपको कोई कंप्यूटर वाले बोले कि हाँ भी आप अपना नाम डालो और एक अपने दोस्त का नाम डालो और उसमें देखो कि आपके अंदर कितनी पर्सनल फ्रेंडशिप है, तो दोज आर रियली फेक थिंग्स। तो डोंट कम टू दैट थिंग्स। तो इमोशंस कैन नॉट बी मेजर। कोई भी मशीन उस चीज को मेजर नहीं कर सकती। तो एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। और उसका एग्जाम्पल क्या है? इमोशंस। एंड एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अब बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर वैल्यू होती है, राइट, इस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल मास दैट इज वेट, लेंथ दैट इज कितना, हमने एक कपड़े को कितना नापा मीटर्स के अंदर, दैट इज लेंथ। टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन चीजों का कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कि मास है, मैं बोलता हूं कि आप मार्केट में जाओ और आप एक शुगर लेकर आओ, चीनी लेकर आओ। मैं आपको कहता हूं 5 kg शुगर लेकर आओ नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या ये पॉसिबल है?
शुगर का तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, राइट right? तो 5 kg का क्या डायरेक्शन है? ये अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर कपड़ा लेकर आओ, 5 मीटर कपड़ा तो कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, राइट right? तो जिस चीज का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अब मैं बोलता हूं मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, या किसी ऑब्जेक्ट का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो किसी डायरेक्शन में थोड़ी ना होता, वो तो बॉडी का टेम्परेचर है बस, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बट मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है, बट उसका डायरेक्शन नहीं है इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वेक्टर, तो वेक्टर का अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी में हम क्या बोलते हैं कि बॉडी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड में, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। जब बॉडी मूव कर रही है कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर मूव कर रही है। देखो जहां पर मैंने बोले 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ मैग्नीट्यूड, 5 इज अ मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट, एंड 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज अ डायरेक्शन या नॉर्थ इज अ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर मैं आपको स्केलर की एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं कि बॉडी का लेंथ कितना है, मैं बोलता हूं लेंथ इज 5 मीटर्स, LENGTH, लेंथ इज 5 मीटर्स। तो यहां पर बेटा आपके पास 5 क्या चीज है, 5 इज मैग्नीट्यूड, और M क्या है इसका यूनिट, मैं उसको किस यूनिट में मेजर कर रहा हूं, लेंथ को किस यूनिट में मेजर कर रहा हूं, ये डिटेल आप देखोगे यूनिट्स और डायमेंशंस के अंदर, राइट। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे मैं वेलोसिटी लिखता हूं किसी पार्टिकल की, मैं बोलता हूं वेलोसिटी इज ऑफ अ कार इज लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब यहां पर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। मीटर पर सेकेंड क्या है, दैट इज अ यूनिट, जिस यूनिट के अंदर मैं उसको मेजर कर रहा हूं, और नॉर्थ क्या है उसकी डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी में हम, अच्छा अब ये मत बोलना कि सर स्केलर और वेक्टर के यूनिट्स होते हैं या नहीं होते, दोनों क्वांटिटीज के, स्केलर का भी यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी का भी यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसे कोई यूनिट्स के अंदर कोई चक्कर नहीं, यूनिट्स हो सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज भी हो सकती है जिनका क्वांटिटीज भी हो सकती है जिनका स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। स्पीड की यूनिट क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं यहां पर बात करूं इसके एग्जाम्पल्स के अंदर, तो स्पीड भी एक क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यहां पर वेलोसिटी, वेलोसिटी के भी यूनिट्स कितने हैं, मीटर पर सेकेंड, राइट, और स्पीड के भी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो दो क्वांटिटीज के यूनिट सेम हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, बात सभी को क्लियर होगी ना, ठीक है। जैसे वहां पर स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड के भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और वेक्टर्स के अंदर वेलोसिटी, और वेलोसिटी के भी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। बस फर्क क्या होगा कि हमारे पास जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी मेंशन होगा। अब वो डायरेक्शन वो किस तरीके, जिस मर्जी में से बोल दे, तो या तो वो बोल दे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बोल दे, या वो ऐसे बोल सकता है कि एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखो 5 क्या है इसका मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकेंड क्या है इसका यूनिट, और 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल क्या है इसका डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बना रही है गाड़ी, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। तो 30 डिग्री क्या है यहां पर, इट इज अ डायरेक्शन, राइट। तो अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन सभी को क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की बात करूं, तो एग्जांपल्स में कौन कौन आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था इससे पहले जब हमने क्वेश्चंस किए थे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है, आदर पॉजिटिव नेगेटिव या किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, राइट। सिमिलरली फोर्स में एक मेरे पास ये मार्कर है,
राइट, आई एम हैविंग दिस मार्कर, ठीक है, तो इस मार्कर के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, कितना 10 न्यूटन लगा रहा हूं, तो भैया मैं बोलूं कि भैया आप इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाओ, कितने न्यूटन का लगाओ, 10 न्यूटन का लगाओ, तो 10 न्यूटन किधर को लगाओ, इधर को लगाऊं, इधर को लगाऊं, पीछे को लगाऊं, या टुवर्ड्स बोर्ड लगाऊं, या नीचे को लगाऊं, या ऊपर को लगाऊं, या किसी एंगल पर लगाऊं, तो मेरे को साथ में डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, बात समझ रहे हो ना। तो अब कभी भी मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स के साथ मेरे को डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, इंपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये सभी कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, अभी सभी बच्चे यहां पर देखेंगे, दीज आर स्केलर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर। ऑर्डिनरी लेटर मतलब फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, मैंने एल इज इक्वल टू 5 मीटर लिख दिया, तो इसको सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स और लेटर हैविंग एरो ओवर देम, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर बोल्ड कर दिया थोड़ा सा मोटा, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, ऐसे करके एक वेक्टर का सिंबल लगा दिया, राइट, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ए वेक्टर। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, तो हमारे को देख के कैसे पता चलेगा मैथमेटिक्स के अंदर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सिंपली लिखी होगी और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर एरो लगा हुआ। आई थिंक सो यहां तक सभी को क्लियर है, राइट, बैक। इसके बाद कुछ नोट बना लीजिए सभी बच्चे, नोट बना लीजिए, या इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज अ एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है, देखो डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं कि टाइम ऑलवेज फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो टाइम के नाम में हमने बोल दिया इट इज ऑलवेज फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो टाइम हमेशा आगे को बढ़ता है, ठीक है, बट इट इज टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी, बट टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट, किसी के मन में आएगा ना सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है सर ये, तो टाइम भी सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, नो, टाइम इज अ, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली एक फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब जैसे कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, मेरे पास एक वायर है ऐसे करके पड़ी हुई है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज फ्लो करके जा रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर देखो इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर करंट की कौन सी क्वांटिटी हुई, अब बोलोगे सर करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, तो ये आपको सभी को याद रखना है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, बट इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो सर करंट है ना, तो वो वायर के अंदर मूव करता है, वायर जैसे पड़ी होगी, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वायर पड़ी होगी उसी डायरेक्शन में वो करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना, तो करंट का खुद का अपना डायरेक्शन नहीं होता, वो तो जिस डायरेक्शन में वायर पड़ी है उस डायरेक्शन में वो फ्लो कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके गार्डन के अंदर पाइप है, पानी की पाइप है, ठीक है, तो उसके अंदर पानी फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो पानी कैसे फ्लो करता है, जैसे वो पाइप पड़ी हुई है उस पाइप के अंदर ऐसे ऐसे फ्लो करके चले जाएगा जैसे पाइप पड़ी हुई है, अगर वो स्ट्रेट पड़ी हुई है तो स्ट्रेट फ्लो करके चले जाएगा, अगर जैसे पड़ी हुई वैसे चले जाएगा, तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, टाइम एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड सिमिलरली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को ये भी एक एक्सेप्शन है, हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे एरिया है सर, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे होता है, एरिया वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक, आप सभी के पास एक वो है, ये ऐसे करके एरिया है, ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया में यहां पर आपके पास दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, तो यहां पर जो सा एरिया वेक्टर आएगा, ठीक है, तो लेट्स से एक ये रेक्टेंगल है, ये दिस इज 2 meters एंड दिस इज 3 meters, ठीक है, दिस इज 2 meters एंड दिस इज 3 meters, अब आप बोलोगे सर इसकी एरिया की वैल्यू कितनी है, सर हमारे को पता है एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ इसका कितना है 2, ब्रेथ इसका कितना है 3, ठीक है, तो एरिया कितना आ गया सर 6 meters square,
तो अब एक बार सभी बच्चे याद रखेंगे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे ये एक प्लेन है, प्लेन मतलब जिसके अंदर वो एरिया है, इसके अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, राइट। तो मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस बोर्ड, ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर बोर्ड, तो यहां पर इसका लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, एरिया का मैग्नीट्यूड आ गया 6, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर इज इट्स यूनिट, और इसका जो सा डायरेक्शन होता है दैट इज इस प्लेन के, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द प्लेन, ठीक है, और इसके ये ऐसे करके परपेंडिकुलर। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, एरिया वेक्टर, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दिस इज द एरिया एंड दिस इज द एरिया वेक्टर, राइट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यहां तक सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फर्दर हम अभी देखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट, टिल देन यू कैन नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। तो बेटा एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड, ट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ, राइट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बेटा आपके पास लेट्स से दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक वेक्टर है, ठीक है, तो एक वेक्टर को हम बेटा एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई एम अगेन रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर विद अ एरो, ठीक है। तो अब देखो एक लाइन बना दी, एक लाइन का ये वाला डायरेक्शन है या ये वाला डायरेक्शन है, वो हमारे कैसे पता चलेगा, उसके एरो से पता चलेगा कि उसका एरो किस तरफ इशारा कर रहा है। तो दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, राइट, इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। अगर मैं इसको एक ऐसे करके बना दूंगा मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि इधर को डायरेक्शन है या इधर को डायरेक्शन है, सो आई हैव टू पुट एन एरो, ठीक है। तो एक वेक्टर के ऊपर क्या होगा, एक एरो होगा, राइट। तो अब बेटा यहां पर जो इस ये जो मैंने एरो बनाया, इस एरो में जो ये चीज कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ अ वेक्टर, और ये जो चीज कहलाएगी दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ अ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ अ वेक्टर। लेट्स से दिस इज अ ए वेक्टर, ठीक है, ये मैंने एक ए वेक्टर बनाया, ठीक है। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इस वेक्टर का क्या होगा, लेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर इसका लेंथ क्यों मेजर करता हूं, तो इसका लेंथ कितना आएगा, इस हेड से लेकर टेल तक, या टेल से लेकर हेड तक, यहां तक का जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि इतना वेक्टर है तो वो ये है, तो अगर थोड़ा सा ज्यादा बनाओ तो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लेंथ बना दूंगा, राइट, या अगर इससे कम वेक्टर बनाना तो इससे छोटा लेंथ का बनाऊंगा, बात समझे। तो अब ये जो इसका लेंथ होगा, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं बात लिख रहा हूं यहां पर नोट बना के, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, कि उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक लाइन लगाओ, आप एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, तो आप क्या लोगे, एक सेंटीमीटर स्केल लोगे और उससे 1, 2, 3, 4, 5 आपने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगा दी, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप 2 सेंटीमीटर की या 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, आप बोलोगे सर ये लो, ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। मैं आपको बोलूं 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, आप क्या करोगे, ये और ये, इसका डबल कर दिया, तो सर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी।
तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी लाइन क्या होगी, इतनी बड़ी होगी। ऐसी वेक्टर्स के अंदर कि जितना ज्यादा वेक्टर होगा उसका उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो यानी कि जो इसका लेंथ है, इस वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम, एंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज फ्रॉम, सभी चीज ध्यान से देखिए, टेल टू हेड। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, दैट इज फ्रॉम टेल टू हेड की तरफ। ठीक है, तो एक वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम टेल टू हेड, और मैग्नीट्यूड क्या करेगा रिप्रेजेंट उसका, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका, मैग्नीट्यूड उसका रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि भैया आप बताओ, यू गो 5 meters towards नॉर्थ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। राइट, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर ऊपर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप जाओ 10 meters नॉर्थ, तो लेट्स से ये आपने 10 meters नॉर्थ बना दिया, ये आपने 10 meters नॉर्थ बना दिया। ठीक है, तो नॉर्थ क्या हो गया, दैट इज फ्रॉम दिस, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्थ, तो दिस इज 10 meters नॉर्थ। अब मैं बोलूं कि आप यहां से 5 meters ईस्ट जाइए, तो 5 meters मतलब ये 10 था, तो इसका आधा कितना होगा, आधा कितना होगा, जैसे ये पूरा है इसका आधा इतना हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया, दैट इज 5 meters ईस्ट। राइट, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, ये तो दिस इज ए वेक्टर इज 10 meters नॉर्थ और बी वेक्टर इज 5 meters ईस्ट। तो यहां से देखने से पता चल रहा है ये 10 है और ये 5 है। राइट, तो जैसे जितना मैग्नीट्यूड होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका लेंथ बन जाएगा। अगर 20 होगा तो ये 10 अगर इतना है तो 20 कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो इतना 20 meters हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन तो हम एरो से रिप्रेजेंट कर ही देंगे। राइट, तो अब एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एरो से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, या इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 meters नॉर्थ, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 meters ईस्ट। राइट, तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर देखो, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर नॉर्थ डायरेक्शन में ना, तो सर इसके ऊपर एरो ऐसे करके लगा देते हैं। नहीं, ऐसे करके नहीं लगाना, लेटर के ऊपर हमेशा एरो ऐसे ही आएगा। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका 10 meters मैग्नीट्यूड है, मीटर उसका यूनिट है और नॉर्थ उसका डायरेक्शन। बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका 5 meters मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड है, मीटर उसका यूनिट है और ईस्ट उसका डायरेक्शन है। राइट, तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। हां जी बेटा, अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स कितनी तरह का होता है। राइट, तो बेसिकली वेक्टर्स हमारे पास ब्रॉडली दो तरह का होता है, दैट इज वन इज अ पोलर वेक्टर एंड वन इज अ एक्सियल वेक्टर। राइट, तो पोलर वेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, दो तरह के वेक्टर होते हैं। तो पोलर वेक्टर कौन सा होता है, अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज नोन एज अ पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meters पर सेकेंड, तो 5 meters पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 5 meters पर सेकेंड। या मैं बोलता हूं कि एक बॉडी है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, लेट से आपने 10 newton की फोर्स लगाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, 5 newton की फोर्स लगाई किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, 2 newton की फोर्स लगाई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो अब पोलर वेक्टर क्या है, सिंपल, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम एरो लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ पोलर वेक्टर। ठीक है, ज्यादातर हम इस पोलर वेक्टर को ही यूज करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो बेसिकली हम जब रोटेशन वेक्टर करेंगे तब हमारे को पता, चलो मैं आपको एक्सिस बता देता हूं, ठीक है. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी. अब फॉर एग्जांपल बेटा कोई भी चीज रोटेट करती है, ठीक है, तो कोई भी चीज लेट्स से एक टायर है, ठीक है, टायर रोटेट कर रहा है तो वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से आपके पास एक फैन है, ठीक है, तो यहां पर ऊपर ये फैन लगा हुआ है, तो अगर आप सभी बच्चे देखोगे तो ये फैन, अभी मैं आपको थोड़ा सा शो करने की कोशिश करता हूं, जैसे ये ऊपर फैन लगा हुआ है, राइट, तो ये जो सा फैन रोटेट करेगा ये गोल घूमेगा, ना तो ये आगे जाएगा ना ये फैन पीछे जाएगा, बट ये फैन करेगा क्या, ये फैन गोल घूमेगा. तो क्या ये एक पॉइंट के अबाउट गोल घूम रहा है? नहीं, ये फैन गोल घूमेगा एक एक्सिस के अबाउट. और वो एक्सिस क्या चीज है? वो एक्सिस है जो सेंटर में से पास करके जा रही है, उसके जैसे ये फैन है, ऐसे फैन घूम रहा था, सेंटर में से पास करने वाली उनकी लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है, सेंटर में से पास करने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फैन इज कॉल्ड एक्सिस. सिमिलरली अगर लेट्स से ये मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, आई एम हैविंग दिस रिंग, तो इस रिंग का एक्सिस कौन सा है? सबसे पहले इस रिंग का सेंटर कौन सा है? दिस इज द सेंटर. तो कोई भी चीज गोल घूमती है वो पॉइंट के अबाउट नहीं घूमती है, वो एक्सिस के अबाउट घूमती है. तो जो सेंटर से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये रेड मार्कर है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन एक इमेजिनरी लाइन, एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ बॉडी. अब जैसे प्लेन ऑफ द बॉडी क्या है, इस कड़े का प्लेन कौन सा है? ये दिस इज द प्लेन, ठीक है, दिस इज द टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो इससे सेंटर से पास होने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है. अब लेट्स से ये बॉडी गोल घूम रही है, ऐसे करके ये फैन गोल घूमता है, जैसे जैसे ये बॉडी गोल घूम रही है. अब जैसे ये एक रिंग गोल घूम रहा है, तो इसके गोल घूमने में हम क्या बात करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं. ये हम रोटेशन के अंदर देखेंगे, ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या है? ये है, ये है, ये है, नहीं, जैसे ये ऐसे घूम रही है तो दिस इज द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, ठीक है. तो इसके जो सा डायरेक्शन आएगा उसके गोल घूमने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इसके एक्सिस के अलोंग आएगा. सिमिलरली कोई भी चीज गोल घूम रही है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है. तो ये इन सभी चीजों का जो सा डायरेक्शन होता है उनके एक्सिस के अलोंग होता है. जैसे भी मैंने बताया था कि अगर लेट्स से कोई चीज गोल घूम रही है, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके अलोंग इनका डायरेक्शन होगा, तो दैट इज द एक्सियल वेक्टर. तो डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम आर एक्सियल वेक्टर्स, राइट. तो अब बेटा हम ज्यादातर जो सा भी हम यूज करेंगे वो हम पोलर वेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है. और कुछ टाइम के बाद जब हम रोटेशन वेक्टर के ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमारे पास कुछ एक्सियल वेक्टर्स आएंगे, ठीक है. तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बट आपको बताने के लिए हमने आपको बता दिया देयर इज अ पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर. और अभी हम ब्रॉडली इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है, पोलर वेक्टर्स को यूज करेंगे, और फर्दर जाके रोटेशन के अंदर हम एक्सियल वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके बारे में और सीखेंगे, राइट. तो इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे नोट आउट कर लीजिए. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन वेक्टर्स, ठीक है. और इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर हम किस चीज को देखेंगे? इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स. तो अगर आप बच्चे इसकी डेफिनेशंस को नोट डाउन करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट वन बाय वन, ठीक है. अब दो वेक्टर्स इक्वल हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर्स वो इक्वल कब होंगे? लेट्स से मेरे पास एक दो वेक्टर्स हैं, वन इज ए वेक्टर एंड वन इज बी वेक्टर. लेट्स से वन इज ए वेक्टर एंड वन इज बी वेक्टर, ठीक है. तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं. अच्छा, ये वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर. देखो, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? मैंने आप सभी को बताया था कि मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज ए वेक्टर, राइट. ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर.
ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी कि जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड हो, और जो से डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में बी हो। ठीक है, सबसे पहले बेटा कमिंग टू वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज अलग से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं जो आपको अभी नोट डाउन करनी है, दैट इज दिस इज ए वेक्टर, लेट्स मैं बोल देता हूं दिस इज 10 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है, और दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है ए वेक्टर का, दैट इज 10, और अगर मेरे को लिखना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, दैट इज ए वेक्टर का, अगर मैं एन इस ब्रैकेट को लगा देता हूं ठीक है लाइक दिस, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज 10 मीटर्स। जहां पर भी ये ऐसे करके आ जाएगा, तो ऐसे करके आ गया तो अब हमारे को डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप सभी बच्चों के लिए नई चीज है। यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए, और वेक्टर ए के अंदर आपके पास उसका यूनिट भी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और उसका डायरेक्शन भी आएगा। और ये पर्टिकुलर चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसमें हमारे को सिर्फ कोई भी डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने क्लोज ब्रैकेट्स लगा दी तो इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि एक आपके पास वेक्टर है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है जिसका लेंथ है 20 मीटर, ठीक है, तो दिस इज लेट्स से बी वेक्टर, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ये है और उसका लेंथ 20 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 20 मीटर, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल पार्ट विद यूनिट, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। सिमिलरली एक ब्लॉक है, ठीक है, मास एम का, इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है लेट्स से 5 न्यूटन, ऊपर को फोर्स लग रही है लेट्स से 100 न्यूटन, तो लेट्स से दिस फोर्स इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंड दिस फोर्स इज 100 न्यूटन इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर को ऐसे, 10 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन क्या है बी वेक्टर का, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं देखो, अगर मैं लिखूंगा सिर्फ यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर लिखूंगा सिर्फ ए वेक्टर, तो आई विल राइट इट, इट इज 10 न्यूटन राइट डायरेक्शन, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को राइट बोल रहा हूं। बी वेक्टर क्या है, दैट इज 5 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर इज 100 न्यूटन, कौन से डायरेक्शन में, मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन बोल देता हूं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन बोल देता हूं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और अब ये तो देखो मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, जब मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा। अब अगर कोई मेरे को बोलता कि सिर्फ मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ऐसे लिख देगा वो बोलेगा व्हाट इज दिस, तो आई विल राइट इट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 10 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 5 न्यूटन, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 100 न्यूटन। तो यहां पर जहां पर भी मैंने ऐसे करके ये ब्रैकेट्स को लगा दिया, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स को ऐसे करके लगाया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो भी मैंने यहां पर मार्क किया, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर भी आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से बताया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे और उनके मैग्नीट्यूड्स को कैसे लिखेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। तो ये सभी को पता चल जाना चाहिए कि हम एक वेक्टर को, नॉर्मल वेक्टर को कैसे लिखते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को सब बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो इफ यू हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है, तो अब हम वापस आएंगे इक्वल वेक्टर्स के ऊपर।
ठीक है। तो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कि मैग्नीट्यूड और ये क्या होता है, नॉर्मल ए वेक्टर क्या होता है, राइट। हाँ जी बेटा, अब हमने बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल कब होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक बॉडी है वो, अच्छा इक्वल कब होगा, मैंने बोला कि सर देखो 5 मीटर एक ए वेक्टर है जो 5 मीटर है कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है, और एक वेक्टर है ऊपर को कितना 5 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स है? नहीं, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों इक्वल वेक्टर्स नहीं है? ए और बी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों इक्वल वेक्टर्स नहीं है? क्योंकि इनका डायरेक्शन तो क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज ऑल्सो 5, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 5 है, बट क्या इनका डायरेक्शन सेम है, ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऊपर को लग रहा है, तो यहां पर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है। बट इस पर्टिकुलर जगह पर देखो, मैंने ये नॉट इक्वल टू का साइन है, दिस इज नॉट इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का साइन ऐसे होता है लाइक दिस। यहां पर अगर मैं बात करूं इनके मैग्नीट्यूड्स की, दैट इज सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड जो ए का है वही मैग्नीट्यूड बी का है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो ए का भी मैग्नीट्यूड 5 है, बी का भी मैग्नीट्यूड 5 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड तो है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, राइट। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कि भैया लेट से आपके पास एक ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में लेट से 5 मीटर्स, दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर है वो लेट से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज लेट से 7 मीटर्स है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में बी वेक्टर। अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, पर अगर मैं यहां पर डायरेक्शन इज सेम, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहां पर ए वेक्टर भी राइट डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी राइट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई। अब इस पर्टिकुलर केस में ए और बी की डायरेक्शन तो सेम हो गई बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 5, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 7, तो अब यहां पर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, जिसके कारण यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, यहां पर भी ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन सेम नहीं थी, यहां पर डायरेक्शन सेम है बट यहां पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसलिए यहां पर कोई भी ए और बी इक्वल वेक्टर्स नहीं। अब इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में कितना लग रही है, लेट्स से 5 मीटर्स राइट डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में ही है और उसका भी लेंथ कितना है, 5 मीटर्स। तो अब मैं यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख रहा हूं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख रहा हूं कि ए का डायरेक्शन क्या है, राइट, बी का डायरेक्शन क्या है, राइट, तो यानी कि डायरेक्शन तो सेम होगी, तो ए की भी डायरेक्शन राइट है, बी की भी डायरेक्शन राइट है। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज 5, और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है यहां पर, 5, तो यानी कि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है एंड सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस पर्टिकुलर जगह पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ए वेक्टर
इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल कब आएगा, जब डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज सेम है बट दूसरी चीज सेम नहीं है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। राइट, डन। हां, अब इसके बाद एक बात हमारे को याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको एंगल बिटवीन वेक्टर करवाऊंगा, पर आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि इक्वल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो डिग्री। एंगल, सभी बच्चे नोट बना के लिख लेंगे, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। क्यों जीरो डिग्री है, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है, ए भी राइट डायरेक्शन में है, बी भी राइट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज जीरो डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है वो आपको मैं बता दूंगा, अभी के लिए आप इस चीज को याद रख लोगे, दैट इज एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। डन। तो आई थिंक सभी बच्चों को इक्वल वेक्टर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इक्वल वेक्टर का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बॉयज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो दो बंदे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो उनका जो सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। राइट, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ अ इक्वल वेक्टर। ठीक है, आई थिंक जो सभी ने इस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को रख कर रहा हूं। ठीक है, आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, तो इक्वल वेक्टर को हम कैसे लिख रहे हैं, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं? ठीक है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इक्वल मैग्नीट्यूड है बट ड्रॉन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए वेक्टर है इस राइट डायरेक्शन में, ठीक है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्चुअली लेट्स से 5 meters, और जैसे बी वेक्टर है, ठीक है, वो कौन से डायरेक्शन में है, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये भी कितना है, 5 meters। तो अगर आप यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज सर ए वेक्टर इज 5 meters राइट एंड बी वेक्टर इज 5 meters लेफ्ट। तो अब अगर आप यहां पर देखोगे इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो मैं फिर से बोलूं, आप बोलोगे सर ये देखो एक लाइन में तो है नहीं, तो एक लाइन के अंदर भी दो डायरेक्शन होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ए वेक्टर कैसे है, ए वेक्टर राइट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में कितना है 5 meters, और बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है 5 meters लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहां पर इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर, ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव वेक्टर्स बोलूंगा। तो अगर मैं लेट्स से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देता हूं तो ये वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां पर मैं इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव वेक्टर को। और यहां पर सभी बच्चे देखेंगे कि यहां पर अगर ए इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में ये एंगल कितना बना, दैट इज 180 डिग्री और पाई रेडियन। रेडियन हमारा एंगल मेजर करने का रेडियन यूनिट हो गया, यहां पर डिग्री यूनिट हो गया, तो अगर एक ऐसे 180 डिग्री को पाई रेडियंस भी बोलते हैं। तो अब सभी बच्चों को एक बात बताया होनी चाहिए कि जो से नेगेटिव वेक्टर्स हैं, एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स इज
180 डिग्री और पाई रेडियंस। इसको भी सभी बच्चे नोट बना के लिख लेंगे, नेक पे वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होता है, दैट इज 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है, तो ऐसी बेटा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से एक वेक्टर सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और डी वेक्टर इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का जो साइज है वो एग्जैक्टली सेम है, तो यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर, और मैं ये भी लिख सकता हूं दैट इज डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो दैट इज डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, चाहे मैं जैसे मर्जी लिख लूं, और अगर ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं तो मेरे को एक बात पता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जितने लेंथ का सी वेक्टर है उतने ही लेंथ का डी वेक्टर भी है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर दो बंदे सेम स्पीड से भाग रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसका स्पीड सेम है बट दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वेक्टर। राइट, तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, तो उसके अंदर नेगेटिव वेक्टर के अंदर उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए और इसके एंगल को भी। राइट, तो आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वो भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर हमारा पता चल गया दैट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। राइट, तो यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स का क्या एग्जांपल दे रहे हैं, वो वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स बट ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अब यहां पर अगर मैं कोलिनियर वेक्टर्स की बात करता हूं, लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि कितने लेंथ का है, 8 मीटर्स का, ठीक है, और एक बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, वो कितना है, लेट्स से 15 मीटर्स का, तो दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, लेट से कितना, लेट से इतना सा 2 मीटर्स, तो दिस इज सी वेक्टर। तो अब यहां पर मैं कह सकता हूं चाहे ए बी और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 15, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बट सभी राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहां पर आई विल राइट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेता हूं, जैसे एक सी वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और डी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो यहां सी और डी आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, सेम। तो जिन भी वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। राइट, तो आफ्टर यहां पर भी हम देख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में है और सी भी सेम डायरेक्शन में है, तो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, यहां पर भी एंगल बिटवीन इज 0 डिग्री। यहां पर भी कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज, अभी हमने कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर ली है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं विच आर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक ए वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, एक बी वेक्टर है, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, और एक सी वेक्टर है जो ऐसे करके नीचे को आ रहा है, दिस इज सी वेक्टर, और एक डी वेक्टर है कुछ वो ऐसे करके जा रहा है, लेट्स से दिस इज डी वेक्टर। तो अब सभी वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, ए का राइट डायरेक्शन में है, सी का नीचे को है, बी का इस डायरेक्शन में है, डी का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है,
सभी का मैग्नीट्यूड ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, ये कुछ और वैल्यू का है। तो अभी यहां पर सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, क्योंकि सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसलिए यहां पर ए बी सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, तो वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, आई थिंक सो यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, अब सबसे पहले बेटा मैं आपको बात बोलूंगा कि यूनिट का क्या मतलब होता है। यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो वन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो वन, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अगर उसके न्यूमेरिकल पार्ट की वैल्यू है वन तो दैट इज अ यूनिट वेक्टर, एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चे इन सभी चीज को नोट डाउन कर लीजिए और यूनिट वेक्टर को मैं अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, राइट। हाँ जी बेटा, तो इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा हम वेक्टर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख रहे थे, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास टॉपिक आया था दैट इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन किया था कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो, ठीक है, उसको हम एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एंड हुज डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, लेट्स से वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है, उसका लेंथ और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। लेट्स से दिस इज अ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 20, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20, यानी कि इसका लेंथ 20 है। अब मैं ए के डायरेक्शन में ही, ए के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर बनाया, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। तो ये जो सा मैंने वेक्टर बनाया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो इस वेक्टर को, इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए कैप। तो आप सभी बच्चों के लिए ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है, ए कैप। ठीक है, तो अब बेटा मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में बनाया तो मैंने ए कैप लिख दिया इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में, जो जिस डायरेक्शन में ए था उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर को बनाया और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, 1। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि दैट इज सर ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 1। देखो कैप का मतलब यही होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं उसको ए कैप करके लिख दूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली जैसे उसके ऊपर एरो आ गया है ना, अगर उसके ऊपर एरो आ गया तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर कैप आ गया तो कैप का क्या मतलब है कि ये जो सब क्वांटिटी है ए, ए जो सी क्वांटिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर तो है ही है, प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर ये जो सा ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ठीक है, दिस इज ए कैप, यहां तक क्लियर है। और ए कैप का जो डायरेक्शन है, मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, ए कैप का जो डायरेक्शन है वो ए की ही डायरेक्शन में है, क्लियर। ए कैप एक डिफरेंट वेक्टर है, ए एक डिफरेंट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 20 है और ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये ए वेक
ए वेक्टर और ए कैप वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं है, इनका डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट यहां पर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है और ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो हम एक यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पर भी कैप लगा हुआ है ऑटोमेटिकली उसका मतलब है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ही है उसका मैग्नीट्यूड। तो अब आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि अगर ए वेक्टर है तो आपको पता है, मैं बोलूं कि लेट से ए वेक्टर मैं वहां पर लिखता हूं, लेट से ए वेक्टर कुछ राइट, तो लेट से मैं बोल देता हूं कि लेट से सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं बोल देता हूं कि लेट से दिस इज ए वेक्टर 10 न्यूटन। तो मैं ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा, दैट इज 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया राइट, है ना। तो 10 न्यूटन उसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड, राइट क्या हो गया उसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब मैं एक वेक्टर को कैसे लिखता हूं, उसको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको किससे, उसके डायरेक्शन से। अब आपने बोलोगे, आप बोलोगे सर अब देखो मैंने यहां पर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या चीज है, ए कैप। क्यों ए कैप, क्योंकि देखो अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 5 ही आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 10 ही आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा 100 आएगा, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा 99 ही आएगा। तो इसलिए इसका तो मैग्नीट्यूड कितना है 1 ही है। ए कैप के पास क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन है, किसके डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में ही उसके पास डायरेक्शन है राइट। तो इसलिए बेटा तो कोई भी एक ए वेक्टर है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के अंदर डायरेक्शन ही आया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए कैप एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्यों, क्योंकि जो सा ए कैप का डायरेक्शन है वो ए की डायरेक्शन में ही है, बात समझ रहे हो ना सभी बच्चे, क्योंकि जो ए का डायरेक्शन है या ए कैप का डायरेक्शन है वो ए की डायरेक्शन में ही है। जैसे अभी मैं लेट से ये ए वेक्टर बनाया, ठीक है, तो ए कैप कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और अगर मैं इसका जो भी मैग्नीट्यूड लेट से इसका मैग्नीट्यूड 20 है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय दिस डायरेक्शन, तो दिस इज ए कैप। तो इस फॉर्मूले को सभी नोट डाउन कर लीजिए अभी के लिए, ठीक है, और इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अच्छा, इसी दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, इसी से दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है, दैट इज सर ए कैप is equals to a cap is equals to a vector divided by magnitude of a vector, right? तो इस formula को भी सभी बच्चे note down कर लीजिए अच्छे से, this is very important formula, तो ये मैंने बल्ब बना रहा हूं यहां पर, तो बल्ब क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया ही हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर ये 10 मीटर राइट है, तो मैं यहां पर ए कैप के लिखूंगा, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखें, ए कैप आपके पास डायरेक्शन देगा और ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, कैसे, देखो ए वेक्टर 10 मीटर राइट है तो मैं क्या लिखूंगा, ए कैप is equals to a vector divided by magnitude of a vector। अब मेरे को एक चीज पता है कि यहां पर magnitude of a vector कितना है, that is 10। तो a vector किसके इक्वल है, that is 10 newton right divided by a vector complete। देखो ये a vector complete है, ठीक है, vector quantity के अंदर magnitude और direction दोनों होंगे right। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, दैट इज 10, ठीक है। तो ए वेक्टर ए कैप निकाल रहा हूं, दैट इज ए वेक्टर क्या 10 मीटर राइट, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, दैट इज 10 न्यूटन। तो
तो अगर आप देखोगे यहां पर टेन न्यूटन के साथ टेन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन बच जाएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, ठीक है। तो बेसिकली ए कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है। सभी को बात क्लियर हुई, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अभी बेटा सभी बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट इज बेटा आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं यूनिट वेक्टर को बीच में से हटा दूं, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आई एम हैविंग मार्कर्स, ठीक है, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दिस इज अ ब्लू मार्कर, ठीक है, एंड दिस इज अ ग्रीन मार्कर। तो अब देखो ये सभी को इनिशियल वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं इसलिए है क्योंकि ये उसे बन रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। अब ब्लैक वाला मार्कर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लू ऊपर को जा रहा है और ग्रीन इधर को जा रहा है, ठीक है। दीज थ्री आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दीज थ्री आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, राइट। अगर मैं ब्लैक को एक्स एक्सिस बोल देता हूं, ब्लू को वाई एक्सिस बोल देता हूं, तो ग्रीन मेरा क्या बन गया, जेड एक्सिस बन गया, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर लेट्स से बेटा मेरे पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, तो जो सर जेड एक्सिस है वो ऐसे करके बाहर को आ रहा है, प्लेन ऑफ द बोर्ड के पैरेलल, प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर को आ रहा है। अब मैं ऐसे मार्कर से ऐसे बाहर को तो बना नहीं सकता हूं, तो बेसिकली मैं जेड एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट एक्स के ऑपोजिट नेगेटिव एक्स है, वाई के ऑपोजिट नेगेटिव वाई, और जेड के पीछे को अंदर को कौन सा है, दैट इज नेगेटिव जेड, राइट। तो अब बेटा अगर आप सभी बच्चे देखेंगे, ठीक है, तो अब दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ब्लू एंड ग्रीन इज माय जेड एक्सिस, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो ब्लैक इज माय एक्स एक्सिस, ब्लू इज माय वाई एक्सिस एंड ग्रीन इज माय जेड एक्सिस। तो नाउ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर ब्लैक और ब्लू मार्कर के अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। ब्लू और ग्रीन के अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ग्रीन और ब्लैक के अंदर कितना एंगल है, 90 डिग्री का। बात समझ रहे हो ना, तो इसलिए इन तीनों वेक्टर्स के अंदर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी ये यहां पर यही बोल रहे हैं, द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट फॉर फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है जैसे आप 10th क्लास के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर आप पॉइंट्स को मार्क करते थे। अब हम तो अगर जेड एक्सिस को ले लेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा सिस्टम बनता है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अब यहां पर एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अब आप बोलोगे सर टोटल एंगल 360 होता है, तो सर ये देख लो ये 90 हो गया तो ये कितना बच गया, 270, 270 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये एंगल आ गया। नहीं, वो गलत है। तो जेड एक्सिस ऐसे ऐसे नहीं है, इट इज बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहां पर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में अभी एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एक्स एक्सिस के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का, राइट। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इनके म्यूचुअली इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, क्लियर। सभी को ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्लियर है ना,
जैसे आपको मैं बोलता हूं पॉइंट मार्क आउट करने के लिए बोलता हूं कि 1.5.3 बनाओ, तो 1.5 मतलब 1.1 2 3 4 5 यहां पर पॉइंट आ गया, और थोड़ा सा ऊपर 3 ऊपर को चले जाओ तो यहां पर उसका पॉइंट होगा, दैट इज 1.5.3। तो वैसे ही एक्स वाई जेड में जैसे आप पॉइंट्स मार्क आउट करते हो, राइट। तो अब नेक्स्ट चीज जो बेटा आपको समझनी है, ठीक है, लेट्स से कोई एक वेक्टर है जो एक्स की डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर क्लियर है, यूनिट वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो अगर अब जैसे समझो सभी के दो आंखें दो नाक एक ह्यूमन बींग के सब सेम ही होते हैं, जैसे मेरी दो आंखें एक दूसरा ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बींग होगा उसकी भी दो आंखें होंगी दो हाथ होंगे। मेरा नाम क्या रख दिया जीवन, किसी और का नाम क्या रख दिया रोहन, किसी और का नाम क्या रख दिया हरप्रीत, किसी और का नाम क्या रख दिया गगन, राइट। तो हम इन है तो सभी इंसान ही, बट डिफरेंट डिफरेंट इंसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या रख दिया उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी भी जीवन बोलेंगे तो वो मैं हाथ खड़ा करूंगा। ऐसे अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और अगर वो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेट्स से वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एक्स डायरेक्शन में है उसको क्या मैं बोल दूंगा आई कैप, है ना। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है बट आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, और जेड एक्सिस मतलब जो ऐसे करके बाहर को आ रहा है, इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा के कैप से। एवरीबॉडी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आई कैप क्या है, आई कैप इज, तो मैं यहां पर लिखूंगा आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, और के कैप क्या है, के कैप इज यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस। आई थिंक सो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब लेट्स से आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से मैं बोल देता हूं कि एक वेक्टर है जो कि क्या है, लेट्स से एक ए वेक्टर है जो कि 20 मीटर का है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा, दैट इज सर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 आई कैप मीटर्स। तो अब यहां पर 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन, बात समझ में। अब मैं दूसरे वेक्टर लिखता हूं, लेट्स से बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 30 जे कैप, तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सब बी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर 20 था, 20 किस डायरेक्शन में था, लेट्स से इस डायरेक्शन में है 20, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। तो आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में, अगर यहां पर जे कैप लगा दिया मैंने तो बी वेक्टर इज 30 जे कैप, तो 30 जे कैप का मतलब क्या हुआ कि इसको यहां से 30 यूनिट्स आप ऊपर जाओगे तो इसको आप लिख दोगे दैट्स इट, लेट्स से दिस इज 30 मीटर्स, सो दिस इज बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है 30 जे कैप, बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप क्या है, आई है एक्स डायरेक्शन में और जे है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, सिमिलरली के कैप हो जाएगा। और एक बार छोटी सी और सभी बच्चे याद रख लीजिए कि अगर मैं माइनस आई कैप लगा दूंगा, अगर मैं लेट्स से लिख देता हूं डी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 20 आई कैप या 20 माइनस आई कैप ब्रैकेट में आई कैप, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक वेक्टर है डी जो उसका मैग्नीट्यूड तो 20 है बट वो माइनस आई कैप का क्या मतलब हुआ कि वो है एक्स डायरेक्शन के, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो ये
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो दिस इज डी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है, 20 आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन में 20। डी वेक्टर क्या है, 20, ठीक है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो डी वेक्टर इज माइनस 20 आई कैप या 20 माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, और 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी आप भी आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी को, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड से, और ये माइनस आई कैप क्या है, दिस इज डायरेक्शन। तो 20 यहां पर मैग्नीट्यूड है और माइनस आई कैप क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, राइट। तो बेटा यहां तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम फर्दर और अच्छे से सॉल्विंग करेंगे, ठीक है, टिल देन, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और इन वेक्टर्स वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से बेटा सॉल्विंग करना, आगे वाले 2-3 लेक्चर्स को, 3-4 लेक्चर्स को आप अच्छे से देखना, ठीक है, और आपका फिजिक्स पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी अपना वीक मत होने देना, कहीं पर भी डाउट आ रहा है साथ के साथ मेरे को कॉल करो, ठीक है, और अपनी सॉल्विंग करो, बेस्ट ऑफ लक बेटा।